हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जी के मिश्रा एंड वेलकम बैक इन विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। अब माइक्रोब्स का उपयोग सीवेज ट्रीटमेंट में होता है और ये किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग को यहाँ समझना है। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें हम लोग को देखना है माइक्रोब्स के ट्रीटमेंट के कैसे माइक्रोब्स के द्वारा हम अपने घरों से निकलने वाले वाहित मल कचड़ों का निपटान कैसे करें। उसके निपटान के लिए हमें क्या करना होगा, यानी सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, सीवेज बोलने का मतलब होता है, सीवेज वर्ड का मतलब होता है ना, इस सीवेज का मतलब होता है वाहित मल, और वाहित मल का मतलब होता है हमारे घरों से, शहरों से, नगरों से निकलने वाले कचड़े पदार्थ, कचड़े पानी। तो ये कचड़े जो भी हमारे घरों से निकलने वाले वाहित मल हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य का अपशिष्ट पदार्थ होता है, मल मूत्र होता है, इसमें मुख्य रूप से सीवेज में जो हमारे घरों से निकलने वाले वाहित मल हैं, शहरों से निकलने वाले जो, या फिर नगरों से निकलने वाले जो वाहित मल है, उसको हम सीवेज बोलते हैं। तो घर से निकलने वाले जो सीवेज हैं, ये जो इन सीवेज में, जैसा कि आप देखेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ इसमें माइक्रोब्स भी अधिक मात्रा में होते हैं, और ये कार्बनिक पदार्थ और माइक्रोब्स जो हैं, ये क्या इसको नष्ट कर सकते, ये हमारे आसपास में मौजूद ये बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। इन बीमारियों को कम करने के लिए, इनके बीमारी, इस बीमारी को रोक कैसे रोका जाए, तो सीवेज का ट्रीटमेंट करना जरूरी है, यानी कि वाहित मल का उपचार करना जरूरी है, ताकि ये वाहित मल बड़ी नदियों में निकलती है। आपको पता है ना, घर से निकलने वाले जो पानी है, ये छोटा छोटा नाला से होते हुए ये पहले नदी में जाता है, नदी से होते हुए ये पोखर तालाब से होते हुए पोखरा नदी, बड़े बड़े नदियों में चला जाता है। तो नदियों में जाने से पहले हमको ये बड़ी बड़ी नदियों में ये न जाए, उससे पहले हम इसका पहले ट्रीटमेंट कर लें, और ट्रीटमेंट करने के बाद तब इसको नदी में प्रवाहित किया जाए। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या चीज में करते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट करते हैं उसको एसटीपी कहा जाता है। एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है, जैसे कि ये एक तरह का क्या है, यानी वाहित मल के उपचार का एक प्लांट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाहित मल का उपचार करते हैं, यानी वाहित मल यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ये। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें हम वाहित मलों का उपचार करते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे कि अब इस वाहित मल के उपचार के लिए हमको जरूरी पड़ता है माइक्रोब्स, हमें माइक्रोब्स चाहिए, और उस माइक्रोब्स के मदद से ही हम वाहित मलों का उपचार कर सकते हैं। अब ये किस प्रकार से उपचार करिएगा, वाहित मल का ये सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके किस प्रकार उपचार करेंगे, अब उसके बारे में हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात इसमें हम लोग आते हैं, जैसे सीवेज के बारे में जानेंगे, सीवेज होता क्या है। तो वह सीवेज का मतलब होता है घरों से निकलने वाले वाहित मल, घरों से निकलने वाले वाहित मल होते हैं जिन्हें हम सीवेज कहते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात आपको सीवेज के बारे में, सीवेज क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, यानी कि शहरों से निकलने वाले, नगरों से निकलने वाले कचड़े पदार्थ होते हैं ये। ठीक है, यानी शहरों से निकलने वाले गंदे पानी, जिसको कहा जाता है। तो हेडिंग पहले डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल देना है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, यानी कि ये सूक्ष्म जीवों का क्या वाहित मल में, उपचार में सूक्ष्म जीवों का क्या रोल है, पहले हेडिंग डाल दिए वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। अब वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव में अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एरो दीजिए, इसमें लिखेंगे सीवेज जो होता है ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, यानी कि घरों से या फिर शहरों या नगरों से निकलने वाले वाहित मल होता है। ठीक है, ये गंदे पानी होता है, इसके अंतर्गत एक बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होता है जी इसमें, सीवेज जो होता है, सीवेज का मतलब होता है घरों से निकलने वाले गंदे पानी, जिसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में क्या होता है,
इसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होता है, बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होता है और सूक्ष्म जीव होते हैं यानी कि माइक्रोब्स होते हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट जैसे यहाँ देख रहे हैं, सीवेज जो होता है इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या चीज में करते हैं, एक प्लांट के अंतर्गत करते हैं, एक संयंत्र के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम लोग वाहित मल उपचार संयंत्र कहते हैं, यानी कि इसको एसटीपी कहेंगे। एसटीपी का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको बोला जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या हुआ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब होता है वाहित मल उपचार संयंत्र, यानी वाहित मल उपचार संयंत्र में हम सीवेज का यानी वाहित मलों का ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि उपचार करते हैं, जिसके द्वारा इसमें मौजूद जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है वो कम हो जाए, यानी कि घरों से निकलने वाले जो वाहित मल है उसमें प्रदूषण ज़्यादा है, कचड़े ज़्यादा है, तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एसटीपी एक समाधान है, यानी ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें हम इन सभी वाहित मलों का ट्रीटमेंट यानी उपचार करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें सीवेज ट्रीटमेंट का, तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें आता है जी, तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें दो तरह की विधियों का उपयोग करना होगा। इसके दो अवस्थाएं हैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। सर पहली बात तो आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट करना होगा, यानी कि प्राथमिक उपचार आपको करना होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना होगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है प्राथमिक उपचार, और प्राथमिक उपचार का मतलब होता है ना कि प्राथमिक उपचार के अंतर्गत क्या होता है जी, तो प्राथमिक उपचार में सर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि पानी में मौजूद जो भी बड़े बड़े कूड़े करकट होते हैं, जो भी कचड़े होते हैं, कूट होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, उनको पहले छान लेना होगा, पहले उनको फिल्टर कर लेना होगा, उनको हटा देना होगा, उनका निष्कासन करना होगा, यानी उनको रिमूव करना होगा, और रिमूव करने के बाद बाकी जो बच जा रहे हैं उसका आप क्या करिएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पानी में आप देखो ये घर से निकलने वाले जो कचड़े हैं उसमें प्लास्टिक रहता है, पेपर रहता है, कूट रहता होगा, ठीक है, या फिर इसके अंतर्गत आप देखते होंगे क्या बोलते हैं, कड़े कंकड़ पत्थर होते होंगे, टुकड़े छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते होंगे, ये सब इसमें मौजूद रहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये प्लास्टिक को, जितने भी बड़े बड़े इसमें पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं जी, उसका पहले फिजिकल रिमूवल करेंगे। फिजिकल रिमूवल करते हैं फिर हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट में, यानी कि उसका भौतिक निस्यंदन करेंगे, उसको भौतिक रूप से उसको निष्कासन करेंगे, सॉरी भौतिक रूप से उसको हटा लेंगे, और हटाने के बाद अब हम उसका क्या करेंगे, उसमें मौजूद जितने भी छोटे छोटे कण हैं, टुकड़े हैं, अब उन टुकड़ों को फिर से हम किसमें, उसका हम फिर से फिल्ट्रेशन करेंगे, और पानी में मौजूद छोटे छोटे टुकड़ों को भी अब हम लोग निकाल लेंगे, और टुकड़े को निकालने के बाद अब उसका हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे करिएगा, तो उस पानी को आप वैसे जगह पर डाल दीजिएगा जिसमें माइक्रोब्स पनपे हुए होते हैं, और माइक्रोब्स के द्वारा उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि यह एक तरह का जैविक उपचार होता है। चलिए तो इसको सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखिए वाहित मल, हिंदी डाल दिए हैं, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, हेडिंग पहले डाल देंगे, और हेडिंग डालने के बाद इसका हिंदी लिखेंगे सीवेज, लिखकर एरो दीजिए, सबसे पहले सीवेज लिखकर एरो देंगे, सीवेज ब्रैकेट में लिख लेंगे, सीवेज का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, यानी शहरों से निकलने वाले गंदे पानी, शहरों से निकलने वाले गंदे पानी या व्यर्थ जल, हो गया। व्यर्थ जल हो गया, चलिए व्यर्थ जल इसमें लिखेंगे, इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा सूक्ष्म जीव होते हैं, इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में
इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा सूक्ष्म जीव होते हैं। चलिए अगला एरो दीजिए, उसमें लिखेंगे वाहितमल का उपचार एसटीपी, वाहितमल का उपचार वाहितमल संयंत्र में इसके प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? वाहितमल उपचार संयंत्र यानी एसटीपी में इसके प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? वाहितमल का उपचार क्यों करते हैं और कहां करते हैं? तो वाहितमल का उपचार एसटीपी में किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि इसमें मौजूद प्रदूषण जो है उसको कम किया जाए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। इसके अंतर्गत दो अवस्थाएं होते हैं। किसके अंतर्गत दो अवस्थाएं होते हैं? तो एसटीपी के अंतर्गत, मतलब आप जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, आप जिसका उपचार करते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है जी? दो अवस्थाएं होता है। तो लिखेंगे इसके अंतर्गत दो अवस्थाएं होता है। पहला नंबर में लिख लेना है प्राथमिक उपचार, पहला नंबर में क्या लिखेगा? प्राथमिक उपचार। और दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? द्वितीयक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी द्वितीयक उपचार। पहला नंबर में प्राथमिक उपचार और दूसरे नंबर में द्वितीयक उपचार। अच्छा, द्वितीयक उपचार को ब्रैकेट में लिख लेना है क्या? जैविक उपचार, ठीक है, या जीव वैज्ञानीय उपचार भी इसको हम लोग कहते हैं, जीव वैज्ञानीय उपचार भी कहा जाता है। लिख लिए? चलिए, यानी कि यह उपचार दो तरह से होते हैं। तो पहला नंबर में आपको क्या देखना था? प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरे नंबर में सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में लिख ले होंगे प्राथमिक उपचार, और दूसरे में क्या लिख लीजिएगा? द्वितीयक उपचार। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आते हैं इसमें हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट को हेडिंग डालेंगे और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में अब हम लोग समझेंगे एक एक करके। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से याद रखिएगा इसमें क्या होता है, तो यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसमें सबसे पहले पानी में मौजूद बड़े बड़े कूड़े करकट कचड़े, ये प्लास्टिक पॉलिथीन जितने भी हैं, उन सभी को पहले निकाल कर हटा दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब फिजिकल रिमूवल होता है इसमें। ठीक है, कचड़ों का फिजिकल रिमूवल होता है। इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इसमें पदार्थों के क्या करते हैं? पदार्थों के भौतिक निष्कासन होता है। इसमें पदार्थों का भौतिक निष्कासन होता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम लोग पहले इनको एक बार समझते हैं। ठीक है, और फिर आगे हम लोग बढ़ा जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आप क्या करिएगा? तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, फिगर में आपको क्या दिखा रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कि आपने क्या किया इसको, पहले तो सर इसके अंदर फ्लोटिंग डेवरीज जितने भी थे, फ्लोटिंग डेवरीज बोलने का मतलब होता है तैरने वाले कूड़े करकट, जितने भी कूड़े करकट जो इसमें तैर रहे थे, आप सबसे पहले उन तैरने वाले कूड़े करकट को का निष्कासन कर दिए, रिमूव कर दिए। ठीक है, अच्छा, तो आप क्या देखे हैं इसमें? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जितने भी कूड़े करकट होते हैं पहले उनको हम रोक लेते हैं, और यहाँ से इसको रोकने के बाद यानी रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अब जो ग्रिट बचा हुआ रहता है, ग्रिट जो, या ग्रिट बोलते हैं जैसे पानी में मौजूद छोटे छोटे मिट्टी का कण जो है, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रिट चैम्बर में, सेडिमेंटेशन टैंक में इन सभी को निकाल लिया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये प्राइमरी प्राथमिक उपचार का ये संयंत्र हो गया जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये एसटीपी के अंतर्गत आता है। ये सब क्या है? एसटीपीएस, एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलने का मतलब हो गया आपका वाहितमल उपचार संयंत्र, और वाहितमल उपचार संयंत्र का ये सबसे पहला रूल है जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पानी में मौजूद जितने भी बड़े बड़े कण हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं,
भले आप उन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करिए, छान लीजिएगा, उन बड़े बड़े टुकड़ों को एक जाली लगाइए, और उस जाली लगाकर आप क्या करिएगा, इन बड़े बड़े टुकड़ों को पहले आप छान लीजिए, छान कर आप उसे क्या करिएगा कि बाहर निकाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी तैरने वाले डेवरीज हैं, यानी कि कूड़े करकट हैं, फ्लोटिंग डेवरीज यानी कि तैरने वाले कूड़े करकट, ये पहले ही निकल जाएंगे। उसके बाद अब पानी में क्या बच जाएगा, तो पानी के अंतर्गत अब छोटे छोटे कंकड़ बच जाएंगे, छोटे छोटे कंकड़ बच जाएंगे। अब इन छोटे छोटे कंकड़ को हम क्या करेंगे, ग्रिट चैम्बर में, अब इनको हम लोग क्या करते हैं, ग्रिट चैम्बर में इसे बाहर निकालेंगे। ग्रिट चैम्बर में, चूंकि ये पानी के साथ इसमें वजन होता है ना, तो पानी तो आगे की ओर बह जाएगा, और यहाँ पे जो आप ये गड्ढा दिए रखे हुए हैं, इसके अंदर ये सभी छोटे छोटे ग्रिट जो हैं, ये नीचे की ओर तल में बैठ जाएंगे। पानी में मौजूद जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं, ये सब नीचे बैठ जाएंगे, फिर पानी आगे की ओर बहेगा। उसके बाद आप दूसरे चैम्बर सेडिमेंटेशन टैंक बनाइएगा, ठीक है, औसादन टैंक, जिसके अंतर्गत अब क्या होगा कि ये इससे गहरा बनाएंगे, ताकि पानी अगर आए तो सबसे पहले इसमें जाएगा, तो पानी अगर इसमें जाएगा तो जो भी इसके अंतर्गत कचड़े होंगे, ये सब इसमें बैठ जाएगा, नीचे तल में बैठ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है ये पानी को बाहर आप निकालिएगा। तो जो पानी इसके बाहर निकला, वो अब ये इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराया जाएगा। बात समझ में आया क्या, यानी कि उसको अब हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट, यानी कि प्राथमिक अपंक उसको कहा जाता है, ठीक है, जो यहाँ से बाहर निकलेगा। अब इसका दूसरी बार फिर हम लोग इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि दूसरा बार इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, प्राथमिक उपचार में पहले आप लोग को लिखना है, हिंदी में लिखेंगे, इसमें पदार्थों का भौतिक निष्कासन होता है, लिखेंगे इसमें पदार्थों का भौतिक निष्कासन होता है, लिख लिए, इसमें पदार्थों का भौतिक निष्कासन होता है। उसके बाद लिखिएगा इसके अंतर्गत, दूसरे नंबर में लिखेंगे इसके अंतर्गत, आप पहला नंबर अब दे दीजिए, दूसरा एरो दे कर लिखें इसके अंतर्गत, आ उसमें अब ये नंबर लिखेंगे, तैरते हुए कूड़े करकट को, लिखेंगे तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन द्वारा, अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। क्या लिखे हैं इसमें, तैरते हुए करकट को, कूड़े करकट को, इसमें तैरते हुए कूड़े करकट को निस्यंदन द्वारा, अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा, यानी सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन द्वारा, अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एरो देकर लिखिए, अगला एरो देकर, इसके बाद ग्रिट को, इसके बाद ग्रिट को, ग्रिट जो इसमें कूड़े करकट बचे हुए हैं, सॉरी इसमें जो ग्रिट है, यानी कि छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी का टुकड़ा होगा या फिर बालू रेत, ये सब जो होता है ये सब इसमें आता है, तो लिख लिए हैं। अगला एरो देकर लिख लेंगे, इसके बाद ग्रिट को औसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है, इसके बाद ग्रिट को औसादन द्वारा, इसके बाद ग्रिट को औसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। ग्रिट को किसके द्वारा हटाएंगे, इसके बाद ग्रिट को औसादन द्वारा, सेडिमेंटेशन मतलब था औसादन, औसादन द्वारा ये सेडिमेंटेशन टैंक में औसादन द्वारा ग्रिट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, यानी निष्कासन किया जाता है। बात समझ में आया, अच्छा चलिए। अब यहाँ हम लोग अगला पॉइंट जो देख रहे हैं, यहाँ पे द सेटल्ड सॉलिड फॉर्म, नोट पॉइंट करके आपको लिखना है, इसमें जो सेटल्ड सॉलिड फॉर्म है, जो भी ठोस कण है जो नीचे तल में बैठ गया, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज उसको कहते हैं, प्राथमिक अपंक। और द सुपरनेटेंट फॉर्म है, यानी जो बाहर की ओर आगे निकल रहा है, उसको हम प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। बात समझ में आया, यानी प्राथमिक बहिस्राव कहा जाता है,
इफ्लुएंट मतलब बहिस्राव होता है, उसको बहिस्राव कहते हैं। इफ्लुएंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहिस्राव। और ये स्लज को क्या कहेंगे? आम्पक। ठीक है, तो अब इसमें एक नोट पॉइंट करिए और इस पॉइंट को जरा लिख लीजिए। इसमें नीचे तल में बैठे हुए जितना भी आप देख रहे हैं सॉलिड फॉर्म में जो हैं ये नीचे तल में बैठ जाते हैं, उनको प्राइमरी स्लज कहा जाएगा, और जो आगे की ओर बहकर बाहर निकल जाते हैं उसको प्राइमरी इफ्लुएंट कहा जाता है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट और प्राइमरी स्लज दोनों कहाँ बनते हैं? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान बनते हैं। सर, प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान जो मिट्टी का कण जो नीचे सॉलिड फॉर्म जो नीचे तल में बैठ जाता है उसको प्राइमरी स्लज कहा जाता है, और जो आगे की ओर प्रवाहित हो जाते हैं इससे निकल जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सर, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। चलिए, तो हिंदी इसका लिख लेंगे। हिंदी लिखिए। हिंदी लिखेंगे सभी ठोस जो नीचे बैठे होते हैं, सभी ठोस जो नीचे तल में बैठ जाते हैं, सभी ठोस जो नीचे तल में बैठ जाते हैं प्राथमिक आपंक कहलाते हैं। और प्लावी सुपरनेटेंट यानी बहने वाले, प्लावी आगे बढ़ने वाले, और प्लावी बहिस्राव का निर्माण करते हैं। यानी जो प्लावी आगे की ओर जो बहकर जा रहा है वो बहिस्राव बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राथमिक बहिस्राव उसको कहा जाता है, यानी प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। आ जो नीचे तल में बैठ गया, जैसे नीचे तल में जो बैठ गया उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज, प्राथमिक आम्पक कहते हैं उसको। बात समझ में आया? और जो नीचे तल में बैठ गया उसको आप क्या बोलिएगा? तो नीचे तल में जो बैठ गया उसको प्राथमिक आम्पक कहेंगे। ठीक है, और जो आगे की ओर बह गया यानी जो पलावी होते हैं जो तैर के आगे जो निकल जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक बहिस्राव। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हम इसका कर दिए, हमें प्राइमरी इफ्लुएंट भी प्राप्त हो गया, प्राथमिक बहिस्राव भी प्राप्त हो गया जो आगे की ओर बह रहा है। प्राइमरी इफ्लुएंट अब प्राप्त होने के बाद इस प्राइमरी इफ्लुएंट का फिर से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें मौजूद सिर्फ हम कण को निकाले हैं, इसमें मौजूद हम ये क्या बोलते हैं जैसे फिजिकल मटेरियल जो ऊपर में तैर रहा था, जो भी सॉलिड मटेरियल जो ऊपर में तैर रहा था उसका फिजिकली रिमूव किए हैं उसको, यानी भौतिक रूप से उसको हटाए हैं जो पानी में ऊपर की ओर तैर रहा था। लेकिन हम लोग पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को नहीं हटाए हैं, हम लोग पानी में मौजूद माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों को नहीं हटाए हैं। उसके लिए हमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगा। अब हम यहां से इसका क्या करेंगे? तो सर, इसका अब आप द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानीय उपचार करिएगा। इसका हम क्या करेंगे? द्वितीयक उपचार या जीव विज्ञानीय उपचार करेंगे। कैसे होगा जी जीव विज्ञानीय उपचार? अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो प्राइमरी स्लज आपको प्राप्त हुआ है, प्राइमरी इफ्लुएंट जो प्राप्त हुआ है, प्राइमरी स्लज का तो हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ। प्राइमरी स्लज जो नीचे तल में बैठा था वो बैठा हुआ रह गया, वहाँ से आप फिल्टर करके उसको हटा दीजिएगा, निकाल दीजिए, उसको फेंक दीजिए वहाँ से। ठीक है, जो तल में बैठा हुआ है वो आपका प्राइमरी स्लज है। और जो बह कर आगे आ गया उस पानी से हमको मतलब है, क्योंकि उस पानी में मौजूद फिर कार्बनिक पदार्थ को हमें निकालना है और सूक्ष्म जीवों को निकालना है। बात समझ में आया क्या? अरे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने आपको ये बताया कि आप उसमें सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है प्राथमिक उपचार में मौजूद क्या करते हैं। तो प्राथमिक उपचार में जो भी ये पेपर टुकड़े, जो भी सॉलिड फॉर्म में जो भी पेपर प्लास्टिक है, इसको हम लोग पहले रिमूव कर लेते हैं, पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं।
यानी कि पदार्थों का निष्कासन होता है, पहले हटा लिया जाता है, ठीक है, फिजिकली जो भी तैरने वाले हैं, डेवरीज हैं, तैरने वाले कूड़े करकट, उनको निकाल लिया जाता है, और फिर उसको एरेशन टैंक, फिर उसको क्या चीज में गुजारा जाता है, तब उसको सेडिमेंटेशन टैंक में गुजारा जाता है, जो अभी आपको थोड़ा देर पहले आपको फिगर में बताए थे। सेडिमेंटेशन टैंक में क्यों गुजारते हैं, ताकि उसमें जो भी स्लज होगा, आम्पक होगा, वो नीचे तल में बैठ जाएगा, और जो उसमें हम लोग जो भी पानी फ्रेश होगा वो आगे की ओर निकल जाएगा, जिसको हम लोग प्राइमरी इम्फ्लुएंट कह रहे थे, प्राथमिक ये बहिस्राव कह रहे थे। और प्राथमिक बहिस्राव जो है, अब हम लेके आएंगे इस प्राथमिक बहिस्राव को कहाँ, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, द्वितीयक या जीव विज्ञानीय उपचार में इसको लेकर आएंगे। अब इसका जीव विज्ञानी उपचार कराइए, कैसे कराते हैं भाई? इसके जीव विज्ञानी उपचार के लिए हमें सबसे पहले प्राइमरी इफ्लुएंट को, यानी कि प्राथमिक बहिस्राव को कहाँ गुजारना होगा, तो प्राइमरी इफ्लुएंट को सर डालना होगा एरेशन टैंक में डालना होगा। एरेशन टैंक जो होता है, ये एक बड़ा सा एरेशन टैंक में गुजारते हैं, ये वायवीय टैंक है, एक बड़ी सी वायवीय टैंक में गुजारना होता है। इसको गुजारते हैं तो सर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो आपको प्राप्त हुआ है ना, आप उसको डाल दीजिएगा कहाँ, एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में यानी वायवीय टैंक में डालने के बाद आप उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड करेंगे। कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड बोलने का मतलब होता है कि लगातार आप उसको हिलाएंगे, लगातार उसमें जो है ये एजिटेशन करेंगे उसमें, तो लगातार लगातार एजिटेशन करने से अब इससे क्या होगा, दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। अब इससे क्या होगा कि इसके अंतर्गत, इस ये टैंक के अंतर्गत, इस एरेशन टैंक के अंतर्गत यानी वायवीय टैंक के अंतर्गत, अब आप हमारे लिए उपयोगी, ये एरेश उपयोगी एरोबिक माइक्रोब्स यानी कि वायवीय सूक्ष्म जीव विकसित होंगे। बात समझ में आया क्या, इस टैंक में हमारे लिए उपयोगी ये वायवीय सूक्ष्म जीव जो है विकसित ग्रो करेंगे, और ये किसके रूप में, फ्लॉक्स के रूप में, FLOCS, फ्लॉक्स के रूप में, इनटू फ्लॉक्स, ठीक है, उसी को हम लोग फ्लॉक्स कहते हैं। फ्लॉक्स का मतलब होता है जिसके अंतर्गत ये कर्म या आपका सूक्ष्म जीवों का समूह होता है, सूक्ष्म जीवों का एक परत जम जाता है, जिसमें फ्लॉक्स में बैक्टीरिया तथा फंजाई जो है ये आपस में जुड़े होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई आपस में जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग फ्लॉक्स कह रहे हैं। बात समझ में आया क्या, विथ फंगल फिलामेंट यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं फ्लॉक्स में डेवलप हो जाते हैं, विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर, और इस तरह से यह एक तरह का परत इसके ऊपर में जम जाता है। बात समझ में आया क्या? अरे आया, पहले हिंदी लिखिए फिर समझाते हैं। हिंदी लिखेंगे, देखिए, प्राथमिक बहिस्राव को, प्राथमिक बहिस्राव को एक बड़े से, प्राथमिक बहिस्राव को एक बड़े से वायवीय टैंक में गुजारा जाता है, एक बड़े से वायवीय टैंक से गुजारा जाता है या वायवीय टैंक में बहाया जाता है, हो गया, और इसे लगातार बहाया जाता है और इसे लगातार हिलाया जाता है। क्या बोले हैं सर? प्राथमिक बहिस्राव को इफ्लुएंट मतलब होता है बहिस्राव, प्राथमिक बहिस्राव को एक बड़े से वायवीय टैंक में गुजारा जाता है, पास कराया जाता है, और लगातार हिलाया जाता है, और उसे लगातार हिलाया जाता है, ठीक है। अगला एरो देकर लिख लेंगे, इसके कारण अब क्या होता है जी, तो लिखिए इसके परिणाम स्वरूप, अगला एरो देकर लिखेंगे, इसके परिणाम स्वरूप इस टैंक में, इससे इसके परिणाम स्वरूप इस टैंक में कुछ उपयोगी सूक्ष्म जीवों का तेजी से, कुछ उपयोगी वायवीय सूक्ष्म जीवों का तेजी से ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है। देख लिए, इस टैंक में, इसके परिणाम स्वरूप इस टैंक में तेजी से कुछ उपयोगी वायवीय सूक्ष्म जीवों का विकास होता है, जो फ्लक्स के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जो फ्लक्स के रूप में प्रदर्शित होते हैं, और फ्लक्स किसको कहते हैं, बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट
यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख देंगे, फ्लक्स को ही हम लोग बोल देंगे बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएगा, यानी जीवाणु जब कवक के साथ आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ कर जिस संरचना को बनाते हैं उसी को हम फ्लक्स कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, यह स्ट्रक्चर जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें बैक्टीरिया और फंजाई का एसोसिएशन हुआ है, जीवाणु और कवक आपस में जुड़े हुए हैं और ये जीवाणु और कवक आपस में जुड़कर फ्लक्स का निर्माण करते हैं। फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं मेस लाइक मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट, मतलब जिसमें जीवाणु तथा कवक जो होते हैं आपस में क्या करते हैं जी, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया क्या, जीवाणु और कवक इसमें क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, तो उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। आए समझ में? चलिए अब आगे बढ़ा दिया जाए। जैसा कि देखिए हमने आपको अभी बताया था, ये जैसे बताया था कि प्राइमरी इफ्लुएंट को हम कहाँ पास कर रहे हैं, सर ये प्राइमरी इफ्लुएंट को एक बड़े से टैंक के अंतर हम इसे पास करा देते हैं, एक बड़े से टैंक के अंदर पास कराते हैं जिसको हम एरेशन टैंक यानी कि YVA टैंक कहते हैं। एरेशन टैंक में डालने के बाद हम उसे लगातार हिलाते हैं, कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड करते हैं। लगातार हिलाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप अब क्या होता है, विग्रस ग्रोथ यानी कि तीव्र गति से विकास होता है, यानी तेजी से ग्रोथ होता है, विकास होता है किसका, हमारे लिए उपयोगी YVA सूक्ष्म जीवों का। ये YVA सूक्ष्म जीव फ्लक्स के रूप में प्रदर्शित हो जाते हैं और इस फ्लक्स को आप क्या बोलिएगा, फ्लक्स में क्या क्या होता है, जीवाणु और कवक का तंतु फिलामेंट जो होता है, कवक का फंगल फिलामेंट यानी कवक का जो तंतु होता है ये आपस में जुड़कर एक परत बना लेते हैं। बात समझ में आया, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप ये बहुत तीव्र गति से हमारे लिए उपयोगी YVA सूक्ष्म जीवों का निर्माण होता है जो फ्लक्स के रूप में प्रदर्शित होते हैं। बात समझ में आया क्या, ये किसके रूप में प्रदर्शित होंगे, फ्लक्स के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव जो हैं, ये जो सूक्ष्म जीव आप देख रहे हैं दीज माइक्रोब्स, ये जो सूक्ष्म जीव इसमें ग्रोथ आपने किया है, मानी ये जो ग्रो हुए हैं सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया और फंजाई, जीवाणु और कवक का तंतु आपस में मिला हुआ है जो ये परत जम गया जिसको आप फ्लक्स बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द इन्फ्लुएंट, यानी कि उस इफ्लुएंट में, मतलब इस इफ्लुएंट में मौजूद जो आपने इफ्लुएंट इसमें डाला था, उस इफ्लुएंट में मौजूद जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, अभी तो हमने आपको बताया कि इफ्लुएंट में कार्बनिक पदार्थ अभी भी मौजूद है इसलिए उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इस पानी में मौजूद जो भी इस यानी बहिस्राव में जितना भी मौजूद कार्बनिक पदार्थ है अब उसको ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, अवशोषित कर लेते हैं, किसको, कार्बनिक पदार्थ को। अब वो पानी जो है फ्रेश होना चालू करेगा, इसके कारण दिस रिड्यूसेस द BOD, ठीक है, बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट, और इसके कारण BOD क्या होता है जी, घट जाएगा। बात समझ में आया क्या, इसके कारण BOD घट जाता है। हम क्या बोले हैं, दिज माइक्रोब्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द इन्फ्लुएंट, मतलब ये सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंट में मौजूद यानी बहिस्राव में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर रहे हैं, आई इसके कारण क्या घट जा रहा है, तो BOD घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। ये BOD क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड। अच्छा, बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड का मतलब क्या होता है, तो 1 लीटर पानी में मौजूद इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा जितने कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करने की, जितने इन, सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा फिर से, हमने क्या बोला कि बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड किसको कहेंगे, BOD क्या है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, तो BOD का मतलब होता है 1 लीटर पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा या जीवाणु के द्वारा अवशोषित करने में जितना ऑक्सीजन का खपत होता है उसी को BOD कहते हैं। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि अच्छा सर, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो आप कराए हैं
उसमें तो आपने सबसे पहले जो भी कचरा था, कूड़ा करकट था, पहले आप उसको निकाल लिए। उसमें जो भी छोटे छोटे कण थे, बालू के, रेत के, जो भी कण था, आपने उसको भी सेडिमेंटेशन के द्वारा, अवसादन के द्वारा आपने उसको भी निकाल लिया। लेकिन अब समझ में आया हमको कि इस पानी में मौजूद केवल और केवल आपने जो पार्टिकल्स तैर रहे थे, आपने उसी को निकाला है। बाकी पानी में तो अभी भी कार्बनिक पदार्थ बाकी रह गया है, सूक्ष्म जीव इसमें जो है वो बाकी रह गए हैं, जो हमारे लिए बीमारी का कारण बन सकते हैं। अब समझ में आया कि आपने उसके बाद क्या किया। आपने बताया था कि उस पान जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हम किए थे, प्राथमिक उपचार किए थे, तो प्राथमिक उपचार के समय में जो तल में बैठ गया था, आपने उसको प्राइमरी स्लज कहा था। तो प्राथमिक उपचार के दौरान टैंक के नीचे तल में बैठ जाने वाले पदार्थ को हम प्राथमिक स्लज कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है प्राइमरी स्लज क्या होता है और एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। अब सर एक और बात समझ में आ गया, कुछ चीजें तो नीचे बैठ गया था लेकिन पानी के साथ कुछ चीजें बाहर निकल भी गया है। पानी फिर आगे की ओर बह भी तो गया, पानी रुकेगा थोड़ी ना, पानी बह रहा है तो पानी का फ्लो हो रहा है, लेकिन वो जो पानी आगे की ओर बह रहा है ना प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, उसको हम लोग प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। यही ना बताए हैं, यानी प्राथमिक इफ्लुएंट यानी प्राथमिक बहिस्राव कहते हैं, और जो नीचे तल में बैठ गया उसको प्राथमिक स्लज यानी प्राथमिक आम्पक कहते हैं, और जो बाहर निकल गया उसको क्या बोलिएगा सर, उसको प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे यानी प्राथमिक बहिस्राव कहेंगे। अच्छा, तो प्राथमिक बहिस्राव में अभी भी कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मटेरियल, चूंकि आपने तो पहले ही बताया है सीवेज में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है और सूक्ष्म जीव होता है, तो आप तो खाली कूड़े करकट को निकाल दिए। अब जो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा उसमें तो कार्बनिक पदार्थ ना है, तो चलिए उस पानी को लेकर आइए और हम दूसरा, अब उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, द्वितीयक उपचार करेंगे उसका। द्वितीयक उपचार के लिए हम क्या करेंगे, तो सर द्वितीयक उपचार के लिए आप इस हमारे प्राथमिक ये बहिस्राव को यानी प्राइमरी इफ्लुएंट को पहले एक बड़े से टैंक के अंदर बहा दीजिए, जिस टैंक का नाम है एरेशन टैंक यानी वायवीय टैंक में डालिए, और वायवीय टैंक को डालने के बाद उसको लगातार एजिटेशन करिए, उसमें लगातार हिलाइए उसे। अगर आप ऐसे करिएगा ना, मतलब लगातार इसको जब हिलाइएगा, तो हिलाने के कारण क्या होता है जी, कुछ नहीं होगा सर, ज्यादा हिलाएंगे तो इसके अंतर्गत फ्लक्स का निर्माण होना चालू होगा, मतलब इसमें क्या बनने लगेगा, फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स कैसे, यानी कि तेजी से, हमने आपको बताया बहुत तेजी से इसमें हमारे लिए उपयोगी फ्लक्स बनेंगे। फ्लक्स क्या है सर, फ्लक्स मतलब सूक्ष्म जीव इसमें ग्रो हो रहे हैं, फ्लक्स उसको कहा जा रहा है जिसमें जीवाणु और कवक का एसोसिएशन है, जीवाणु और कवक का एक परत जमा हुआ हो गया होता है। अब क्यों हम ऐसा किए हैं, सूक्ष्म जीव को काहे उसमें ग्रो कराए हैं हम वायवीय टैंक के अंतर्गत, वायवीय टैंक में वायवीय सूक्ष्म जीवों को क्यों ग्रो करा रहे हैं, क्योंकि ये वायवीय सूक्ष्म जीव जो हैं इस इफ्लुएंट में यानी कि इस बहिस्राव में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करेंगे। और आपको तो पता है भाई, कोई ऐसे तो कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित नहीं करेगा, पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित जब ये सूक्ष्म जीव करेंगे, तो इन सूक्ष्म जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो अगर पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को जितना खींचेगा उतना ही ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि आपको पता है पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करने के दौरान इसमें मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको अवशोषित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को यानी जीवाणु को ऑक्सीजन का जरूरत होता है, और ऑक्सीजन का जब जरूरी होगा तो धीरे धीरे पानी से ऑक्सीजन कम होते जाएगा, अब पानी से ऑक्सीजन जब कम होगा तो पानी बन जाएगा क्या, प्रदूषित हो जाएगा, और दूषित हो जाएगा वो पानी। अब काहे इसे कराएंगे, प्रदूषित कराएंगे भाई, जानबूझकर हम अभी उस पानी को प्रदूषित करा रहे हैं, ताकि हमारे हमें और भी काम इसमें करना है अभी, और हमारे ट्रीटमेंट अभी करना है और आगे इसको बढ़ाना है। तो अब आएंगे हम इसके नेक्स्ट
बात देखेंगे। सबसे पहली बात कि अब ये बीओडी क्या है, किसको कहिएगा आप बीओडी, यानी बीओडी क्या है, अब इसकी बात हम करेंगे। अभी हमने आपको बताया था बीओडी का मतलब होता है, सिंपल भाषा में पहले समझेंगे, बीओडी का मतलब होता है 1 लीटर पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करने के लिए किसी जीवाणुओं द्वारा जितने ऑक्सीजन का खपत होता है उसी को बीओडी कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया सर? नहीं आया ना? अरे आया आया, चलिए आ गया। अरे इस पे भी ध्यान दीजिए, खाली इसी पे ध्यान दीजिएगा, ये तो हो चुका है, ठीक है। हाँ, इसमें हम लोग सूक्ष्म जीव को उत्पन्न कर लिए। सूक्ष्म जीव को उत्पन्न क्यों किए हैं? ताकि पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करने के लिए। लेकिन सर समस्या यहाँ ये हो जा रहा है, पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कराने के लिए बीओडी भी घटते जा रहा है। अब ये बीओडी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। बीओडी बीओडी क्या है? बीओडी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले याद रखना है। अगर ये याद रखिएगा तो आप याद भी अच्छा से करिएगा। तो बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ अमाउंट ऑफ ओ टू कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया, अमाउंट ऑफ ओ टू कंज्यूम बाय द बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर। बात समझ में आया? इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? हम समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा, अब सुन लीजिएगा ध्यान से तब समझ में आएगा। अगर ऐसे समझ में आया तो किताब में तो लिखा ही है, ऐसे नहीं समझ लेते। पहले सुनिए ध्यान से, क्या बोला गया है सर? 1 लीटर पानी में मौजूद जितना भी कार्बनिक पदार्थ है उन सभी कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, चाहे ऑक्सीडाइज ऑक्सीकृत करने के लिए जितना ऑक्सीजन का खपत होता है, जितने ऑक्सीजन के मात्रा का खपत होता है उसी को हम बीओडी कहते हैं। आए समझ में? फिर नहीं समझे? 1 लीटर पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करने के लिए सभी सूक्ष्म जीवों को जितना ऑक्सीजन का खपत होगा, जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसी को बीओडी कहेंगे। बात खत्म। अब दूसरा नंबर में लिख लीजिए, इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। इट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि यह पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का मापक भी है। यानी अगर पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ है तो उस कार्बनिक पदार्थ को मापने का भी ये काम करता है कि आपके पानी में कितना कार्बनिक पदार्थ मौजूद है उसको मापने का ये काम करेगा। आए समझ में हम क्या बोले हैं? पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को मापने का भी काम करता है, यानी इट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, यानी यह पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का मापक होता है, मापने का काम करता है। पानी में कितना कार्बनिक पदार्थ है बीओडी के द्वारा आपको पता नहीं चल जाएगा, चूंकि 1 लीटर पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करने में आप देख रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा या फिर जीवाणुओं के द्वारा जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है उसी को आप एक बीओडी कह रहे हैं। तो इस अनुसार से आपको पता चल जाएगा कि पानी में कितना कार्बनिक पदार्थ मौजूद है। समझे क्या? चलिए हिंदी बोल दिए हैं, अभी लिख लेंगे। दूसरी बात, द ग्रेटर द बीओडी मोर इज इट्स पॉल्यूशन पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। अरे भाई जितना बीओडी कराइएगा उतना ही ज्यादा इसका प्रदूषण का क्षमता भी बढ़ेगा, मतलब उतना ही ज्यादा ये प्रदूषित हो जाएगा। बात समझे? बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड, सॉरी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को आप जरा नोट करिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए। हमने अभी आपको क्या बताया, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ही ज्यादा पानी के प्रदूषण की क्षमता होगी, यानी पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित होगा। बात समझ में आया? जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पानी के प्रदूषण का क्षमता बढ़ेगा। लिख लेंगे, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पानी के प्रदूषण की क्षमता भी बढ़ेगा, पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषण होगा। अब हम काहे पानी को प्रदूषित कर रहे हैं भाई, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि काहे पानी को आप प्रदूषित करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग को इससे क्या प्राप्त हुआ, तो इससे जो पानी आगे निकलेगा ना, पहला बार में जो पानी आगे बह के निकला था उसको आप बोल रहे थे प्राइमरी इफ्लुएंट, उसको आप क्या कह रहे थे? प्राइमरी इफ्लुएंट, यानी कि प्राथमिक आम्पक कह रहे थे।
अब जो ये बाहर की ओर निकलेगा उसको, सॉरी प्राथमिक बहिस्राव कह रहे थे, अब जो इसके बाहर जो निकलेगा यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो बाहर निकलेगा उसको सेकेंडरी इफ्लुएंट यानी कि द्वितीयक बहिस्राव कहेंगे। अब इस द्वितीयक बहिस्राव को अपने साथ लेके आइए, उसको रखे रहिए, अभी भी उसमें बहुत सारा काम हम लोगों को करना है। ये जो सूक्ष्म जीव को उत्पन्न किए हैं आप एरेशन टैंक में, गाइस सूक्ष्म जीव को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, जीवाणु को और फंगस को कवक को, तब तो ये और एक आप बीमारी को उत्पन्न कर दीजिएगा, तो उसको भी तो हटाना है ना आपको का। अरे समझे, हमने अभी आपको बताया कि पानी में तो अभी भी मौजूद है ना जी सूक्ष्म जीव, कैसे सर? अरे भाई अभी तो बताया कि वायवीय टैंक में आप लगातार हिला के सूक्ष्म जीव को उत्पन्न किए हैं, तो जब सूक्ष्म जीव को जन्म दे दिए आप लगातार हिलाने से, तो अब उस सूक्ष्म जीवों को खत्म नहीं करिएगा, इसे थोड़े छोड़ दीजिएगा, तो अभी भी ये वो काम करना बाकी है। अब उसको क्या करेंगे सर? तो इफ्लुएंट माने इसके द्वारा निकलने वाले जो इफ्लुएंट है, माने कौन सा इफ्लुएंट है भाई? ये इफ्लुएंट है सर, ये सेकेंडरी इफ्लुएंट है। कौन सा इफ्लुएंट है? सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम क्या करते हैं यानी कि द्वितीयक बहिस्राव को, सर अब इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम फिर कहाँ क्या करेंगे, इसको अब पास कराएंगे सेटलिंग टैंक के अंतर्गत। जैसे देखिएगा एरेशन टैंक से निकलने वाले जो भी इफ्लुएंट था आपने उसको कहाँ डाल दीजिएगा? सर उसको हम डाल देंगे कहाँ, तो उसको डालेंगे सेटलिंग टैंक में। ये फाइनल प्रोसेस है, सेटलिंग टैंक में आप डाल दीजिएगा। सेटलिंग टैंक में डालने के बाद यहाँ क्या होगा, बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो था यानी जीवाणु का जो परत था, जो जीवाणु के रूप में जो प्रदर्शित हो रहा था, जीवाणु जो बना था सूक्ष्म जीव, ये सेडिमेंट हो जाएगा, अवसादित हो जाएगा, इसमें बैठ जाएगा। अब इस सेडिमेंट को ही आप एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं। भाई स्लज वर्ड तभी आता है जब कोई चीजें नीचे तल में बैठता है। याद है जब प्राइमरी स्लज के बारे में आपको बताए थे, तो प्राइमरी स्लज प्राथमिक उपचार के दौरान बन रहा था, आए समझ में? प्राथमिक स्लज यानी कि प्राथमिक आम्पक, यहाँ है सक्रिय आम्पक। सक्रिय आम्पक का मतलब हुआ कि जब हम दूसरा द्वितीयक इफ्लुएंट को यानी कि दूसरा बहिस्राव को जब हम सेटलिंग टैंक में बहाते हैं, तो सेटलिंग टैंक में जाने के बाद जो जीवाणु का फ्लक्स यानी जो जीवाणु फ्लक्स था, जो फ्लक्स था, ये क्या हो जाता है? सेडिमेंटेड हो जाता है, अवसादित हो जाएगा, ये नीचे तल में बैठ जाएगा, निकल जाएगा, अलग एक फिल्टर हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, उसको कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, ये एक्टिवेटेड स्लज हो गया। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन में पूछा गया है सक्रिय स्लज क्या है। भाई सक्रिय स्लज क्यों कह रहे हैं? क्या कि ये लिविंग बॉडी है, जीवाणु है, ठीक है। अब देखिए, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इन टू द एरेशन टैंक टू सर्व एज द इनोकुलम। अब जरा ध्यान से इसको समझिएगा पहले बात को, हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसमें जरा एक बार इसको पहले समझ लिया जाए। आपने क्या किया कि सेकेंडरी इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में डाल दिए। सेटलिंग टैंक में हम क्यों डालेंगे सर? सेटलिंग टैंक में आप क्यों डालिएगा? तो इसका मतलब अभी आपको हमने बताया ना कि हमने वायवीय टैंक से जो निकले हुए इफ्लुएंट हैं उसको हम सेटलिंग टैंक में डाल दिए, यानी कि निसादन टैंक में, निस्वादन टैंक में, ठीक है, निसादन टैंक में डाल दिए। निसादन टैंक में डालने के बाद अब क्या होता है, सेटलिंग टैंक में डालने के बाद, सेटलिंग टैंक में जैसे ही डालते हैं वहाँ पे जीवाणु फ्लक्स, जीवाणु का झुंड जो होता है, बैक्टीरियल फ्लक्स यानी जीवाणु का जो झुंड होता है, ये सेडिमेंट हो जाता है, अवसादित हो जाता है। बस समझ में आया? यानी कि जैसे ही आप इसमें डालिएगा जीवाणु का झुंड को, ये उसे अवसाद में परिवर्तित कर देता है। किसको अवसाद में परिवर्तित कर देता है? तो सेटलिंग टैंक में जैसे ही आप सेकेंडरी इफ्लुएंट को डालिएगा यानी द्वितीयक
इफ्लुएंट मतलब हो गया आपका बहिस्राव, द्वितीयक बहिस्राव को जैसे ही सेटलिंग टैंक में यानी कि निः साधन में डालिएगा, निः साधन में जैसे ही डालिएगा, ये यहाँ पे जीवाणुओं का जो झुंड होता है ये अवसाद में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इस अवसाद को हम सक्रिय सलज कहते हैं, यानी कि एक्टिवेटेड सलज यानी सक्रिय अपंग कहते हैं, सक्रिय अपंग कहते हैं। अच्छा, अब जो है एक छोटे से भाग को, ये सक्रिय सलज के एक छोटे से भाग को हम निकाल कर, सक्रिय सलज के एक छोटे से भाग को, ये जो सक्रिय सलज है इसमें से एक्टिवेटेड सलज के एक छोटे से भाग को निकाल कर हम पुनः इसे वायवीय टैंक में डालकर पंप करते हैं। वायवीय टैंक में डालकर फिर इसे क्या करते हैं, पंप करते हैं। आप पंप इसको वायवीय टैंक में डालकर क्या करते हैं, पंप करते हैं। और वायवीय टैंक में डालने के बाद जब इसको आप पंप करिएगा तब इससे क्या होगा, ये इनोकुलम के तरह कार्य करने लगता है। यानी कि जैसे ही इसको इसमें डालिएगा ये क्या चीज की तरह काम करने लगता है, ये निवेश द्रव्य की तरह कार्य करने लगेगा, यानी इनोकुलम की तरह कार्य करने लगता है, यानी निवेश द्रव्य की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। चलिए तो इसको अब आप लोग लिख लीजिए, नोट करिए तो इसको पहले। चलिए हिंदी लिखा जाए, एरो दीजिए और हिंदी लिखते चलिए। हिंदी लिखेंगे अब द्वितीयक बहिस्राव को, अब द्वितीयक बहिस्राव को यानी इसके द्वारा आप जो बहिस्राव निकलेगा वो सेकेंडरी इफ्लुएंट होगा, लिखेंगे अब द्वितीयक बहिस्राव को एक बड़े से निःसादन टैंक में, एक बड़े से निःसादन टैंक में डाला जाता है, एक बड़े से निःसादन टैंक में डाला जाता है। अब बहिस्राव को या फिर अब द्वितीयक बहिस्राव को एक बड़े से निःसादन टैंक में डाला जाता है, ठीक है, डाला जाता है, जहाँ जहाँ जीवाणु झुंड, जहाँ जीवाणु झुंड उसे लिख ले, जहाँ जीवाणु झुंड उसे क्या चीज़ में परिवर्तित करते हैं, जहाँ जीवाणु झुंड उसे अवसाद में परिवर्तित करता है, जहाँ जीवाणु झुंड उसे अवसाद में परिवर्तित करता है, इसे या इस अवसाद को सक्रिय अपंग कहा जाता है, इस अवसाद को सक्रिय अपंग कहा जाता है। अब लिखेंगे अगले हृदय कर, अब अगले हृदय कर लिखिए, अब सक्रिय अपंग के छोटे से भाग को, अब सक्रिय अपंग के छोटे से भाग को, अब सक्रिय अपंग के छोटे से भाग को पुनः वायवीय टैंक में डाला जाता है, वायवीय टैंक में डाल दिया जाता है और डालकर पंप किया जाता है। चाहे सीधे लिख लेंगे अब वायवीय टैंक को पुनः सॉरी अब क्या लिखे हैं, अब सक्रिय अपंग के छोटे से भाग को पुनः वायवीय टैंक में डालकर पंप किया जाता है, डालकर पंप किया जाता है। और यह अपंक निवेश द्रव्य की तरह कार्य करने लगता है, और यह अपंक निवेश द्रव्य की तरह कार्य करने लगता है, और यह अपंक निवेश द्रव्य की तरह कार्य करने लगता है। चलिए हो गया। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब जो अपंक के बचे हुए भाग हैं इसमें, तो छोटे से भाग को आप डालकर ये क्या किए, पंप किए, और जो कि इनोकुलम के तरह कार्य करने लगा, ठीक है, निवेश द्रव्य हो गया, मैंने अब वो निवेश द्रव्य हो गया, उसको आगे हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। अब पुनः आप इसको क्या करिएगा, इसके जो बचे खुचे जितने भी भाग होंगे, अब छोटे से भाग को आप ऐसा किए लेकिन बचे खुचे जितने भी भाग होंगे सबको एक बड़े से टैंक में डालकर आ तब इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करिएगा, तो अब उसके बाद जो है देखिए दिया हुआ है द रिमेनिंग स्लज यानी बचे हुए जो अपंग होते हैं, बचे खुचे अपंग होते हैं, इज पंप इनटू द लार्ज टैंक, उसको एक बड़ी सी टैंक में डाल दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी कि इसमें एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर है। ये क्या है जी, जो बड़ा सा टैंक में जिसमें हम डाल रहे हैं बचे खुचे
अपंग को एक बड़े से टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, जिस टैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस टैंक को एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। ये एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर है। आप अभी तक वायवीय स्लज रखे हुए हैं, आज जब इसमें अवायवीय स्लज में जब डाल दीजिएगा तो ये अभी क्या करेंगे, इसमें क्या होते हैं, यहाँ कुछ एन एरोबिक बैक्टीरिया हुए ग्रो किए हुए रहते हैं, एन एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किए हुए रहते हैं, और ये एन एरोबिक यानी अवायवीय जीवाणु, और ये अवायवीय जीवाणु क्या करते हैं, ये आपके स्लज में मौजूद जो भी जीवाणु पहले से था, जिस जीवाणु और कवक को आपने खुद डेवलप किया था ताकि पानी से कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करे, उसी को अब आप इस बड़े से टैंक में डालकर एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा यानी अवायवीय जीवाणु के द्वारा उसको आप मरवा देते हैं, खत्म करा देते हैं। बात कुछ समझ में आया क्या? यानी कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो हमें दूसरा इफ्लुएंट मिला था, उस दूसरे इफ्लुएंट को हम क्या किए हैं कि इसको एक बड़े से वायवीय टैंक में डाल दिए। वायवीय टैंक में इसलिए डाले ताकि वहां पे लगातार हिलाने के बाद तेजी से उसमें सूक्ष्म जीव ग्रो हो रहे थे। तेजी से सूक्ष्म जीव इसलिए ग्रो हो रहे थे जिसको आप फ्लॉक्स कह रहे थे, यानी जीवाणु का झुंड हो रहा था, इसलिए वो ग्रो हो रहा था ताकि पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को ये लोग अवशोषित कर लें। तो पहले तो कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करने के लिए हम इसी को उत्पन्न किए, आई अब उसको मारने के लिए हम क्या करेंगे कि इस स्लज को किसमें डाल देंगे, एक अवायवीय स्लज डाइजेस्टर में हम लोग डाल देते हैं। और अवायवीय स्लज डाइजेस्टर में इसलिए डालते हैं ताकि अवायवीय स्लज डाइजेस्टर में आते ही अब ये क्या होगा कि इसको ये खत्म कर देता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय अपंक संपाचित्र में इसको डाल दिए आप। यानी कि अवायवीय अपंक संपाचित्र में जब भी डाले तो इसमें डालते ही इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि कुछ अवायवीय जीवाणु है, और ये अवायवीय जीवाणु इन जीवाणुओं को या इन कवक को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। और खत्म करके इनके बदले क्या देते हैं, मीथेन गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये उत्पन्न करते हैं। और ये सब CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सबको मीथेन गैस कहा जाता है। ये लोग जो है बायोगैस का निर्माण करते हैं। दीज गैसेस फॉर्म्स द बायोगैस यानी कि जैव गैस का निर्माण करते हैं। बस समझ में आया? और बाकी जो बचा हुआ अब इससे इफ्लुएंट निकला, वो इफ्लुएंट बिल्कुल फ्रेश है। अब उस फ्रेश यानी उसमें कोई अब सूक्ष्म जीव भी नहीं है। आप उस सूक्ष्म जीव को भी खत्म कर दिए, उस सूक्ष्म जीव को मार कर आप उससे बायोगैस का भी उत्पादन कर दिए। अब इस बायोगैस का उपयोग जो है, इस मिथेन का उपयोग जो है, हम क्या चीज करिए, जलावन के रूप में करेंगे, इन ये बिजली के उत्पादन में करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो इससे इफ्लुएंट बच गया मैंने बहिस्राव, अब इसके बाद जो पानी बच गया उसको हम बहा देंगे, कहाँ, नदियों में या झरनों में इसको बहा देंगे। बात समझ में आया क्या? चलिए तो इसको पहले एक बार आप लोग जरा इसका हिंदी लिख लेंगे। ठीक है, बचे खुचे लिखेंगे, बचे खुचे चाहे अपंग के बचे हुए भाग को, ऐसे भी लिख सकते हैं, बचे खुचे अपंग के भाग को, चाहे अपंग के भाग को, अपंग के बचे हुए भाग को एक बड़े से टैंक में डालकर पंप किया जाता है। एक बड़े से टैंक में डालकर पंप किया जाता है। ठीक है, अपंग के यानी सक्रिय अपंग के बचे हुए भाग को एक बड़े से टैंक में डालकर पंप किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जिसे इस टैंक को आप क्या बोलिएगा, जिसे अवायवीय अपंग संपाचित्र कहा जाता है, जिसे अवायवीय अपंग संपाचित्र कहा जाता है। और इस अवायवीय, और इस अवायवीय अपंक संपाचित्र में अवायवीय जीवाणु मौजूद होते हैं, और इस अवायवीय जीवाणु अपंक और इस अवायवीय अपंक संपाचित्र में कुछ जीवाणु मौजूद होते हैं, कुछ जीवाणु मौजूद होते हैं जो जो अपंक में मौजूद जीवाणु तथा कवकों का पाचन कर, जो अपंक में मौजूद जीवाणु तथा कवकों का पाचन कर, जीवाणु तथा कवकों का पाचन
पाचन कर, मीथेन, कॉमा हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं और ये गैस जैव गैस या बायोगैस का निर्माण करती है और ये गैस बायोगैस का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिख लेंगे। अगला एरो देकर लिखिए। अब इस बहिस्राव को और अब इस बहिस्राव को प्राकृतिक जलाशयों जैसे नदियों तथा झरनों में बहा दिया जाता है। अब क्या हो जाएगा जी, अब इस बहिस्राव को प्राकृतिक जलाशय जैसे नदियों और झरनों में बहा दिया जाता है। आया समझ में? चलिए अब हम लोग का एक लास्ट पॉइंट है जिसमें गंगा एक्शन प्लान ये सब देखना है। एक चार्ट हुआ जो आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है, अभी जितना भी आपको पढ़ाए हैं वही बातें हैं। सबसे पहले प्राइमरी इफ्लुएंट निकला था, प्राइमरी इफ्लुएंट को हम यानी प्राथमिक अपंग को हम किस में डाले थे सर, इसको वायवीय टैंक में डाले थे। वायवीय टैंक में डालने के बाद इसको कॉन्स्टेंट एजिटेशन किए, लगातार हिलाए, तो इसमें तेजी से वायवीय जीवाणु या वायवीय जीवाणु का झुंड जो है ये ग्रो हो गया। अब ये वायवीय जीवाणु का झुंड को इसलिए हम ग्रो कराए ताकि ये जीवाणु क्या करें, पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लें, मतलब उस बहिस्राव में मौजूद जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसको क्या करें, अवशोषित करें। उसके बाद क्या होगा, अब बीओडी घटना चालू हो जाएगा। बीओडी क्या होता है बता दिए हैं, बीओडी क्यों घटेगा, जितना बीओडी आप करिएगा उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना, तो पानी से धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होते जाएगा। अब आप इस इफ्लुएंट को कहाँ डालिएगा, इसको सेटलिंग टैंक में डालेंगे, निसादन टैंक में डाल देंगे। निसादन टैंक में डालने के बाद फ्लक्स जो है इससे सेडिमेंट हो जाएगा, इसका फ्लक्स का अवसाधन हो जाता है यानी जीवाणु झुंड का अवसाधन हो जाएगा जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इस एक्टिवेटेड स्लज को, और ये किसके रूप में होता है, तो ये इनोकुलम के रूप में होता है, निस्राव के रूप में। अब देखिए यहाँ ये अभी एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में इसको हम डाल देंगे, फिर इस यहाँ जो एक्टिवेटेड स्लज मिला है उसको हम कहाँ डाल दे रहे हैं, अवायवीय अपंक संपाचित्र में डाल देंगे। अब अवायवीय अपंक संपाचित्र में जैसे ही डालिएगा, ये अवायवीय अपंक जो होते हैं संपाचित्र जो है ये एनएरोबिक बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, इसमें जो मौजूद अवायवीय जीवाणु हैं ये किसको नष्ट, किसका पाचन कर देते हैं, तो ये नष्ट कर देते हैं किसको, जीवाणुओं को। इसमें मौजूद जो भी जीवाणु का झुंड था, जो फ्लक्स था, उसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, और खत्म करके उनके बदले में क्या उत्पन्न कर देते हैं, बायोगैस को उत्पन्न करते हैं। और इस तरह से बाद में जो नेचुरल वाटर बॉडी में बाकी बचे हुए इफ्लुएंट को आगे बहा दिया जाता है, बस यही प्रोसेस है, समझ में आया। इसके द्वारा बायोगैस निकाल लिया गया और इसको फिर भेज दिया गया कहाँ, नेचुरल वाटर बॉडी में। कुछ समझ में आया क्या, तो ये इस तरह से माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स सीवेज का ट्रीटमेंट होता है माइक्रोब्स के मदद से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक लास्ट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट करके आपको लिखना है, एक नोट पॉइंट करेंगे उसमें लिखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन। पानी में जैसे कि लोग गंगा स्नान करने के लिए जाता है और जितना कचरा प्लास्टिक लेके गया है सब उसी में छोड़ के आ जाता है, ये गंगा स्नान किया। ये कहीं भी आप जाते हैं फूल पत्ती सब लेकर जाते हैं नदी में, आप उसको प्रवाहित कर दिए तो आप प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। वहाँ जब भी आप गंगा नदी के पास में जाइएगा पानी में, या यमुना नदी के पास जाइएगा, तो वहाँ अगर आप स्नान करने के लिए आप पानी में कुछ कचरा फैला रहे हैं
तो पहले वो खुद डांट के वहां से निकाल के हटा देगा, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है ये सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया था गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को। क्यों चालू किया गया था ऐसा प्लान? इसलिए चालू किया गया था ताकि पानी को प्रदूषण प्रदूषित होने से बचाया जाए, पानी के प्रदूषण से रोका जाए पानी को। तो नोट पॉइंट करके इसको लिख लेना है, लास्ट वाले पॉइंट को इसमें नोट करिएगा। वातावरण और वन मंत्रालय ने, वातावरण और वन मंत्रालय ने पानी में मौजूद, वातावरण और वन मंत्रालय ने सॉरी वातावरण और वन मंत्रालय ने पानी के प्रदूषण को, पानी के प्रदूषण, पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए, ऐसे लिख लीजिए, पानी को प्रदूषण से, पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए, ठीक है, पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को प्रारंभ किया। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए हम लोग का ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू।